एंड वेलकम बैक टू रीना के संग। रीना के संग रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो दोस्तों, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। आज है ईद का दिन और आप सोच रहे हैं कि हम सुबह सुबह कहाँ हैं, तो आज हम हैं ईद की पार्टी ले रहे हैं। आज छुट्टी है चैतन्य की, मेरी और पापा की, तो हम तीनों की आज छुट्टी है और हम आज आए हैं। तो आज ट्यूजडे का दिन है, तो खाएंगे वेजिटेरियन और आज हम यहाँ पे खाने आए हैं अपना लंच, क्योंकि शाम को तो हमें एक पार्टी में जाना है, तो हम शाम को नहीं खा रहे, इसलिए हम दिन में लंच खा रहे हैं। इधर चैतन्य है, पापा है और मैं हूँ। इंजॉय करेंगे टेस्टी टेस्टी सा लंच। चैतन्य, लाइट भी आ गई, वेरी गुड। तो यहाँ लाइट गई हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर लाइट आ चुकी है और हम हवा का फुल आनंद ले रहे हैं और आज है ये सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। हिंदू भाइयों को नमस्कार, मुसलमान भाइयों अस्सलाम वालेकुम और सारे भाई और काले चिरकुट, तेरे को स्पेशल ईद मुबारक है। काले चिरकुट देख रहा ना तू, ईद मुबारक तुम्हारे काले चिरकुट के परिवार को और सभी को ईद मुबारक है हमारी तरफ से। और आज का दिन हम एज यूजुअल दोस्तों कुछ बना नहीं, तो मैं मम्मी का मम्मा कह रही थी मैं थक रही हूँ, चैतन्य कह रही थी मुझे बाहर का खाना है, और तो मैं इन दोनों का मौका उठाकर मेन तो मेरे को खाना होता है तो इसलिए मैं आप देश मच हाजिर हूँ। और हमारी थाली, दो थालियाँ मंगाई हमने, जो हमने आपको पहले भी रिवील करी थी, और हमें यहाँ का खाना बहुत टेस्टी लगा, इसलिए हम दोबारा यहाँ पर आए हैं और एंजॉय लेंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों आप बने रहिए। तो चैतन्य को कुछ कहना है? हैप्पी ईद। तो चैतन्य अभी आज खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, वेट कर रही है। क्या खाएगा? वेज थाली, छोले भटूरे, है ना? और साथ में क्या लेंगे पापा? दही, लस्सी। हाँ, लस्सी भी ऑर्डर करते हैं। तुम्हें बहुत सुंदर लगता हूँ और मैं बहुत अपने आप को हैंडसम समझता हूँ, और मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मैं मुँह मियाँ मिट्टू बनता हूँ ये मेरी आदत है, और ये मेरी जो आदत है ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही अलग है दोस्तों, क्योंकि मैं यार मैं अपने आप सुंदर हूँ ना, आपको लगूँ नहीं लगूँ उससे क्या मतलब है आपको, चुपचाप ब्लॉग देखो, बता रहा हूँ। लाइक भी करो, फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, रहना के संग रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हरदम रहो, टकाटक रहो। ओके दोस्तों, तो फिर हम मिलते हैं थाली के साथ। पे सबसे पहले आई है हमारी लस्सी, यम्मी लीशियस। अब ऑर्डर आने जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे आई है स्पेशल थाली। दिस इज आवर थाली स्पेशल, ये लस्सी विद हार्ट्स ऑन इट। क्या कॉम्बो आया है चैतन्य के लिए? पेप्सी आई है। तो आज हमारा फैमिली गेट टुगेदर है, तो आज हम एंजॉय कर रहे हैं ईद की हॉलीडे विद फैमिली। टेस्टी टेस्टी, तो पापा टेस्ट करके बताएंगे। टेस्ट मैं करूंगा। वैसे हमें यहाँ पे लास्ट टाइम भी खाया था, बहुत ही अच्छा लगा। आज चेक करते थोड़ा इनको साइड कर लेते ताकि आप ही ये प्लेट्स वगैरह देख पाए। मेरा हाथ और बहुत जोर से भूख भी लग रही है, क्योंकि हमने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सीधा हम यही खाएंगे। चैतन्य नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। सच्ची में यहाँ का बहुत टेस्टी लगा था, फ्रेश टेस्टी फूड, बहुत ही अमेजिंग। मतलब हमारे घर के पास इतना बढ़िया खाना है और हम इधर उधर घूम रहे हैं। ये देखो रायते की क्वालिटी भी देखो, एकदम बढ़िया रायता है, राइस। अब चैतन्य भी खाएगी, चैतन्य भी खा के बताएगी। दोनों पापा बेटी खा रहे हैं यामी यामी लिशियस फूड। मजा आ रहा है पापा? ये मज़ा पैक करा के नहीं आता ना घर में। टेस्टी।
आ गए हमारे पराठे, रोटी, लच्छा पराठा, और ये मैं रख रहा हूँ ये है मम्मा का बेबी। मम्मा ले रहे फुल एंजॉय। देखिए मुझे कितना जैसा मैं खाना चाहिए था, जैसे हमारी भूख थी वो मिल गई। तो हैप्पी ईद है दोस्तों, हैप्पी ईद। वाह वाह वाह, मम्मा सब टूट नहीं रहा है। दोस्तों चैतन्य अभी देखो कैसा पलटी मारती है, भाजी पलटती है। मम्मा ले लो सही का मजा, वाह जी वाह। चलिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और हम आगे का भी दिखाते हैं। आप भी ईद की पार्टी कर रहे हैं? हमारी ईद पार्टी चल रही है। ओ माय गॉड, गया है चैतन्य के लिए छोले भटूरे। देखो यहाँ मिली से सोप एक बल्ब टाइप के भटूरे हैं। गरम गरम है, पापा तो खोए हुए स्वाद में। डिलीशियस। A few moments later. Back, अब हम गए थे आपके सामने और खाया था लंच बढ़िया बढ़िया, और अब हम जा रहे हैं शादी में और मुझे मेरी चुन्नी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो दोस्तों हम जा रहे हैं शादी में, यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, वहाँ हम जा रहे हैं फंक्शन अटेंड करने। तो मैं कैसी लग रही हूँ बताइए, आज मेरा पूरा इंडियन लुक है। फ्रेंड हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं शादी में जाने के लिए और पापा भी यहाँ रेडी हो रहे हैं। देखो हाँ सॉरी, हम जा रहे हैं फंक्शन में, एक पार्टी है आज, उस पार्टी में हम जा रहे हैं। पापा भी रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ जल्दी से बताओ, एम आई लुक गुड और नॉट बताइए। ये रहे हैंडसम हंक। हेलो दोस्तों, पार्टी हो रही है दोस्तों, तो हम पार्टी में जा रहे हैं और आपको वहाँ पर जो भी खाएंगे पियेंगे और जिनके साथ भी हम घूमेंगे फिरेंगे सारे माहौल बताएंगे कि वहाँ कैसा हम लोगों ने इंजॉयमेंट करा। ओके दोस्तों तो चलते हैं पार्टी में, हमारे पड़ोस में है पार्टी, हम जा रहे हैं और हम सब आपके साथ एक पार्टी करेंगे। आंटी पार्टी करेगी, ये आंटी पार्टी करेगी मैं पार्टी करूँगी तो फ्रेंड आ चुके हैं हम फंक्शन में। तो यहाँ पे आज है मेहंदी का फंक्शन, हमारे पड़ोस में हमारे नेबर में शादी है तो आज है मेहंदी की रात, तो हम उस फंक्शन में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम इंजॉय करने वाले हैं, आज ईद है, छुट्टी थी और पहले दिन में हमने पार्टी करी, रात को भी पार्टी है, तो आज का दिन बहुत ही ऑसम हो रहा है हमारा। और यहाँ देखो क्या क्यूट क्यूट से बच्चे डांस कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ना साउंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे चल रहा है डीजे, बॉलीवुड सॉन्ग, पहाड़ी सॉन्ग, गढ़वाली सॉन्ग चल रहे हैं, तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। और मैं सॉन्ग्स को डाल नहीं सकती क्योंकि आप सबको पता होगा कि YouTube पे अगर हम कोई भी सॉन्ग डालते हैं तो हमें कॉपीराइट मिल जाता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करूँगी सॉन्ग और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज हमने पार्टी में बहुत बहुत इंजॉय किया और ये अंकल का डांस देखो आप, इसको इंजॉय करो। फ्रेंड अब बारी है पेट पूजा करने की और यहाँ लग गया है खाना और रात हो चुकी है, बहुत भूख भी लग गई है, तो अब जल्दी से खाएंगे डिलीशियस सा फूड।
दिन में भी आज बाहर का खाया और अब शादी फंक्शन का खाना खा रहे हैं तो इसको भी इंजॉय करेंगे। ये रहे गुलाब जामुन। तो पापा जो है वो पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं मेरे ऊपर। हाँ, सब पूछते हैं आपके पापा, ये मेरे पापा नहीं है, चैतन्या के पापा हैं, पर मैं यूज्ड टू हो गई हूँ यार उनको पापा पापा बोलने की आदत सी पड़ चुकी है। तो काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं आप पापा किसको बोलते हो, तो मेरे बेटी के पापा जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पनीर और यहाँ पे सारे पड़ोसी हम मिलके दबा के यहाँ पे खा रहे हैं और खाना बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड अपने उत्तराखंडी गानों में अपने गढ़वाले गानों पे डांस करके बहुत मज़ा आया हमें और शायद आप लोगों को भी। आई होप सो ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा, आपने भी ये मेहंदी का फंक्शन और ईद बहुत अच्छे से इंजॉय की होगी हमारे साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।